डांस को मेहंदी 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 नी मेहंदी क्या है अनु अनु क्या है ये हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ नेहा एंड आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है पहली बात मैं ये बता दूँ जिन जिन ने चैनल को लाइक नहीं करा है शेयर नहीं करा है वीडियोस को एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब को प्रेस करना है एंड बेल आइकन जो उसके साथ है उसको भी प्रेस करना है ताकि आपके पास टाइम टू टाइम मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है एंड आज की जो मेरी वीडियो है वो रिलेटेड रहेगी अहोई अष्टमी से अहोई अष्टमी आप सभी को पता होगा कि अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है जो फास्ट होता है वो रखा जाता है अपने बच्चों के लिए चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो आप उनके लिए ये फास्ट रखते हैं उनकी सक्सेस के लिए उनकी अच्छी आयु के लिए कामना करते हैं कि वो सही सलामत रहे उनकी हेल्थ के लिए हर एक चीज़ के लिए आप वो व्रत रखते हैं अपने बच्चों के लिए आप बोल रहे होंगे मुझे क्या हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है मुझे दो दिन से बहुत बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है जो मौसम चेंज होता है ना गर्मी से सर्दी की तरफ जो टर्न होता है ये मौसम तो इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड हो जाता है और कोल्ड भी कुछ ऐसा वैसा नहीं इस तरीके से हो रखा है कि मैं नीचे झुक रही हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या बीत रही होगी मुझ पर क्या बीत रही होगी अभी किस तरीके का कोल्ड मुझे लगा हुआ है इसीलिए थोड़ा ऐसा सही लग रहा है थोड़ी बीमार सी लग रही हूँ बट सिर्फ कोल्ड हो रखा है ऐसा सच और कुछ नहीं और आजकल वायरल भी बहुत हो रखा है तो आप सब भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहिए सब कुछ सेफ्टी मेजर मेंटेन करिए और जो है मौसम चेंज हो रहा है एकदम से मतलब अपने कपड़े मत वो करिए कि हाँ नहा रहे हैं ठंडे पानी से वो थोड़ा सा लूक वार्म वाटर से आप नहा सकते हैं आज की डेट में तो मेरा जो मेन कंसर्न था मतलब मेन जो मेरा मोटो है ये वीडियो बनाने का मैंने आपको बताई है अहोई अष्टमी तो अहोई अष्टमी के दिन आज सुबह मॉर्निंग में मैं नहा गई हूँ आनू भी स्कूल चला गया है आनू को हम स्कूल छोड़ के आ गए हैं आज उसकी छुट्टी नहीं थी क्योंकि इसकी कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं होती है व्रत ये ऑलमोस्ट करवा चौथ की तरह ही है करवा चौथ का आप अपने हस्बैंड के लिए रखते हैं और ये वाला जो व्रत होता है ये आप अपने बेबी के लिए रखते हैं और बाकी सब चीज़ें सेम है देखो मैंने करवा चौथ की जो वीडियो है उसमें दिखाया था आपको कि मेरी मेहंदी कितनी बेकार खिली थी और ये देखो ये विहान के नाम की मैंने आज मेहंदी लगाई है तो ये कितनी अच्छी खिली है इससे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते और मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है ऐसा कुछ नहीं है तो गाइज ये है मेरी मेहंदी ये मैंने रात को लगाई थी बट अभी ये दिन तक और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी ये कुछ इस तरीके का मैंने बॉक्स बना रखा है ए बी सी डी करके एंड ये है लिखा हुआ माय बेबी लव और ये है विहान और मैं कैसी फ़ोटो बनाई है मैंने तो ये मदर और बेबी की मैंने जो है फ़ोटो बनाई है मेहंदी में एंड ये पीछे लिखा है विहान अनु का नाम ठीक है करवा चौथ की मेरी बहुत ही गंदी मेहंदी रची थी बहुत ही लाइट आई गेस वो उसी में ही थोड़ा सा मतलब जो कीप थी मेहंदी की कीप उसी में थोड़ी गड़बड़ थी ये वाली तो अच्छी खिली है तो फ़िलहाल तो अनु स्कूल गया हुआ है अभी मैं जो है अपनी एक्टिविटी कर रही हूँ जो कि मैं अपने फ्री टाइम पर करती हूँ मेरा एक और चैनल है यूट्यूब का मंडाला आर्ट बाय नेहा रावत के नाम से उसमें मैं मंडाला जो आर्ट होती है मंडाला आर्ट्स उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो करती हूँ उसमें अपने फ्री टाइम पे और ये नहीं है कि मैं उसमें डेली वीडियोस डालती हूँ जब मुझे टाइम मिले जब अनु स्कूल गया है जब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एक वीडियो बना सकती हूँ एक आर्ट बना सकती हूँ ड्राइंग तो तब मैं उसको करती हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ अब मैं आपको अपनी कुछ ड्राइंग्स दिखाना चाहती हूँ ये देखो ये कुछ मेरी क्रिएटिविटी है जो मैं अपने फ्री टाइम पे करती हूँ और मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम द स्कूल टाइम से ही मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक रहा है बहुत ज़्यादा
ड्राइंग्स वगैरह करने का। ये है साईं बाबा, ये राधा कृष्ण, ये एक ऐसी गर्ल है। तो मंडाला आर्ट बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है जिसमें पैटर्न्स बने हुए हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं कुछ, तो ये मंडाला आर्ट इसी से रिलेटेड होती है। सी, ये कुछ मंडाला आर्ट पैटर्न्स हैं जो मैं ट्यूटोरियल्स देती हूँ अपनी वीडियोस में कि किस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं। एक ही जो है इसमें पैटर्न होता है जो कंटिन्यू रहता है आगे तक। एंड ये मैंने श्री राम की बनाई थी दशहरा के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, एंड नवरात्रि के टाइम पे मैंने ये माता की बनाई थी, दुर्गा माँ की, एंड ये मैंने श्री राम की बनाई थी नवरात्रि के टाइम पे, दशहरा के टाइम पे। सो अभी रिसेंट में मैं एक करवा चौथ से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ मंडाला आर्ट की। तो ये जब मेरी कंप्लीट होगी तब मैं आपको शो करूँगी कि किस तरीके से बनी है पूरी। तो फिलहाल मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम अनु को स्कूल लेने जाएंगे। एंड पूजा मैंने कर ली है, एंड अनु को स्कूल से लाने के बाद जब वो सो जाएगा तब जाके मैं सोच रही हूँ उसके लिए गिफ्ट लाऊँ, क्योंकि आज के दिन बच्चे को अपने जिसके लिए आप व्रत रख रहे हो उसको कुछ गिफ्ट या गिफ्ट के तौर पे ऐसी चीज़ जो उसको पसंद हो वो आप दे सकते हैं उसको। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको चिप्स चॉकलेट ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए काफ़ी सारी ला के एक गिफ्ट सा पैक करके उसको मैं दे दूँगी। तो फिलहाल मैं अपनी ड्राइंग कंप्लीट करती हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो साइलेंट बोलो। हेलो साइलेंट, अरे ये क्या किया? हाय अमंकी, अमंकी लेडी साइलेंट। ओ जरूर पान वाला बोल रखा था मैंने। क्या देख रहे हैं अनु? हम प्लांट देख रहे हैं। कौन सा वाला? इंडोर वाला? कौन सा प्लांट? सो गाइस, अभी हम नर्सरी में आ रखे हैं क्योंकि एक पौधा था रूम में हमारे, वो ना सूख गया था। इंडोर वाला प्लांट देखने के लिए आए हैं, तो अभी देखते हैं कौन सा वाला है। ये वाला था ना पहले, पर ये सूख जाएगा जल्दी। नहीं, ये पहले नहीं था हमारे पास रूम में। आजा बेटा। ये वाला नहीं था, लास्ट यही वाला, लास्ट यही था, लास्ट ये वाला था। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये वाले। ये बाहर अच्छा लगेगा, अंदर थोड़ा हरा हरा। क्या देख ला? ये देख ला, मुझे गेट के एक साइड के लिए। मम्मी ये देख, एरिका पाम में। एरिका पाम में ये अलग है, मतलब है उसी टाइप। ये बड़े का पाम है। ये कौन सा काम है? ये कौन सा काम है?
परी का मामू। ये कौन सा गांव है? परी का मामू। ये तो लास्ट टाइम था हमारे पास। हाँ शायद 50 या 70 का। अनु बाहर नहीं जाना बेटा, मैं कौन सा बोल रही थी, ये कलरफुल वाला देखो, ये कलर रेड रेड सा जो दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये सही नहीं लग रहा। जो तेरे को पसंद है एक इनको बता दे, वो ले निकाल ले। तो ये उसमें आ जाएगा, उस पॉट में छोटा लेना पड़ेगा, उसमें तो बहुत छोटा पॉट आएगा, बड़े वाला कोई सा नहीं है। जब आपको जाते हैं चलो इधर आओ, इधर आओ, ये भी सूख रखा है थोड़ा। ये क्या, ये दिखाना, ये वाला निकालना, बड़ा वाला है छोटा वाला है? हाँ ये तो, ये भी सूखा हुआ है। एक काम करो, ये छोटे वाले कितने के है? हाँ वही बताएंगे। ये सीखा ही है तो ये वाला ये ले जाओ। तो फाइनली अनु घर आ गया है और उसको आते साथ ही अपने टॉयज देखने होते हैं, चेक करता है सारे टॉयज कि मेरे यही रखे हुए हैं या अलग रख दिए कहीं पे, क्योंकि हमने अपने घर में ऊपर एक रूम जो है उसमें अलग से बास्केट रखी हुई है, जो नहीं खेलता हम उसमें डाल देते हैं ऊपर रूम में, खाली रूम में। अनु क्या है ये, क्या ये? ये डांस का मेहंदी, 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 मेहंदी। क्या है अनु ये? अनु क्या है ये? मेहंदी। क्या? मेहंदी, मेहंदी, हाँ मेहंदी, मेहंदी। तो गाइस फाइनली फास्ट जो है वो ओवर हो गया है एंड अभी मैं लड्डू खा रही हूँ जो मुझे अनु ने दिया है। तो फास्ट ओवर हो गया है, पूजा मैंने कर ली है नहीं, और अभी फिलहाल मैं अनु के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ कि क्या दूँ उसको, लेके आती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। बाय बाय बोलो। सो गाइस फाइनली हम अनु का गिफ्ट लेके आ गए हैं। अनु का ये है गिफ्ट, दिखाओ अपना गिफ्ट, दिखाओ वीडियो में, दिखाओ अपना गिफ्ट, दिखाओ। ये लाया अनु बुलडोजर अपने लिए, नीचे रख बेटा, ये देखो। अरे ठीक है, एक्सकेवेटर, एक्सकेवेटर, ये देखो कितना बड़ा लेके आया अनु अपने लिए। ये अनु का गिफ्ट है और एक गिफ्ट है अनु का सरप्राइज, मम्मा के पास है ये अनु का गिफ्ट। वाओ, सो मेनी चॉकलेट्स आर देयर, फ्रूटी इज आल्सो देयर, चिप्स, वाओ, जेम्स, इरेजर, वाओ, मम्मी, पेन भी है, वाओ, थैंक यू बोलो। फिलहाल सोने का भी टाइम हो गया और अब ये भी याद आया कि अनु का होमवर्क नहीं कराया है, तो अनु का होमवर्क करवाने जा। तो अनु बीच में देहरादून चले गया था तो उसकी काफी ज्यादा छुट्टी भी हो गई थी, तो उस वजह से इसका काफी सारा जो होमवर्क है, अनु लेग हटाओ, पेंडिंग हो गया था काफी ज्यादा। तो अभी इसका ये देखो कौन सी डेट का, ये 26 सितंबर का है और ये 28 सितंबर का, तो इस टाइम पे अनु जो है बीमार हो रखा था, और 29th का है ये, आज का है, R for Rose। बेटा करेगा भी बैठ के, ठीक है? क्यों
चलो होमवर्क करो, नहीं बाद में करना, बाद में नहीं, सो के उठोगे नहीं। आर है और हिंदी में क से कबूतर, ग से गमला, ख से खरगोश दूसरी वाली कॉपी में दे रखा था। चल तो आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि आज फास्ट भी था और काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस ही हो रही है। तो अभी फिलहाल अनु अपने टॉय के साथ ही बिजी हो रखा है, तो सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।